नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वोटर कार्ड यानी कि परिचय पत्र को अप्लाई कैसे करते हैं और अगर आपके पास आपका वोटर कार्ड है, आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं जैसे कि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि किसी भी प्रकार के करेक्शन के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना है और आप किस प्रकार से उसमें करेक्शन कर सकते हैं, तो वीडियो को इसके मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन करने के लिए हमें वोटर कार्ड की ओरिजिनल वेबसाइट voters.eci.gov.in को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र पर voters.eci.gov.in की ओरिजिनल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमें हमारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डू नॉट हैव एन अकाउंट देन सिंक अप। अगर आपको नया लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है तो यहाँ से आप सिंक अप करेंगे। जैसे ही आप सिंक अप के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा और जैसे ही आप दिए हुए कैप्चा कोड फिलअप करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करते हुए आपका ईमेल का आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट कर दिया जाएगा। हमारे पास पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड है, अर्थात हम उन्हीं लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम आईडी पासवर्ड यहां पर फिल कर देते हैं तो नीचे दिए हुआ कैप्चा कोड फिलअप करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया है उस नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा और जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट कर देते हैं, वेरीफाई और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, सर्च इलेक्ट्रल रोल, नो योर पोलिंग स्टेशन एंड सेंटर और एपिक डाउनलोड। साइड में कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6A, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। पहले मैं वन बाय वन इन फॉर्म की डिटेल के विषय में बता दे रहा हूँ। फॉर्म नंबर 6 के सामने लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर। अगर आप नया परिचय पत्र बना रहे हैं तो यहाँ से फॉर्म नंबर 6 फिल करके आप अपना परिचय पत्र बना सकते हैं। और अगर आपने परिचय पत्र बनाते समय फॉर्म नंबर 6 आधा अधूरा फिल किया है और बीच में उसको छोड़ दिया है तो यहाँ पर फॉर्म 6 से प्लस वाले ऑप्शन पर जाकर उसे पूरा कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7 ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन डिटेल्स नेम एंड एक्साइटिंग रोल, अर्थात आप अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं अपने स्थान में अदला बदली करने के लिए तो फॉर्म नंबर 7 का उपयोग करेंगे। और अगर आप और कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं जो स्थान से अदला बदली भी है, नेम का करेक्शन है या कोई स्पेलिंग सुधार करना चाह रहे हैं तो फॉर्म नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप आपके परिचय पत्र में मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट ही आपका परिचय पत्र डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ई पिक डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना परिचय पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो एपिक वाले डाउनलोड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, एक एपिक नंबर और एक रेफरेंस नंबर। एपिक नंबर में आप आपका आरएलओ नंबर डालेंगे, जो आरएलओ नंबर आपके पास में है आपके पुराने परिचय पत्र में दिया हुआ है। अगर आपके पास में एपिक नंबर नहीं है तो आपके जो नज़दीकी रोजगार वीएलओ हैं उनसे आप अपना एपिक नंबर ले सकते हैं या आप साइड में वोटर की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट 2023 करके अगर आप ऑप्शन सर्च करते हैं तो यहाँ पर CEO की एक वेबसाइट आती है। यहाँ से आप अपने गांव का, आपके नगर का पूरा संपूर्ण मतदाता सूची है उसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एपिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे ही आप आपका एपिक नंबर यहाँ पर फिल करते हैं और इसके बाद में आपका स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आपकी संपूर्ण डिटेल दिख दी जाएगी। अगर आपको आपकी डिटेल मैच हो जाती है तो नीचे आपके वेरिफिकेशन नंबर के लिए आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है उसको यहाँ फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो परिचय पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, वह डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।